हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, CQI। अब देखिए, बहुत पूछा जाता है कि CQI होता क्या है और LTE में क्यों यूज होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या यूजेज हैं। CQI स्टैंड्स फॉर चैनल क्वालिटी इंडिकेटर। ये चैनल की क्वालिटी बताता है। एज द नेम इम्प्लाइज, इट इज एन इंडिकेटर कैरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ गुड एंड बैड द कम्युनिकेशन चैनल क्वालिटी। अब जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है उसको ये बताता है उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है या बेकार है, इसको ये इंडिकेट कर देता है अपनी वैल्यूज से। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, उसके बेस पे ये बता देता है। चैनल क्वालिटी इंडिकेटर कंटेन्स इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम ए यूई टू द ई नोड बी। अब जो CQI होता है वो यूई ई नोड बी को बताता है टू इंडिकेट ए सुटेबल डाउनलिंक ट्रांसमिशन डेटा रेट। इसका क्या मतलब है, जब ई नोड भी हमारी डाउनलिंक में स्केड्यूलिंग करता है तो वो CQI देखता है कि यूई क्या रिपोर्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमको मॉड्यूलेशन स्कीम्स एलोकेट करता है, जैसे QPSK, QAM, 16 QAM। तो ये पहले देखता है कि CQI क्या रिपोर्ट हो रही है, उसके बेस पे ये जो भी हमारा ट्रांसमिशन डेटा रेट हमें चाहिए उसके बेस पे ये हमें एलोकेट करता है। द CQI रिपोर्टेड वैल्यूज आर यूज बाय द ई नोड बी फॉर डाउनलिंक स्केड्यूलिंग। इसके बेस पे ही हमारे को जो ई नोड भी है वो स्केड्यूलिंग देता है CQI रिपोर्टिंग देखने के बाद। अब देखिए डायग्राम है, जो CQI है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 15 तक हो सकती है। 1 अगर है तो QPSK, 2 है तो भी QPSK। ये डिफरेंट बिट्स हैं कि इसके अंदर क्या क्या बिट्स जाती हैं। जैसे QPSK में 2 बिट होती है पर सिंबल में, 16 QAM में 4 बिट होती है पर सिंबल में, 64 में 6 होती हैं। इसी तरह से ये 1 से लेकर 15 तक CQI हम रिपोर्ट कर सकता है यूई। तो आप ये लॉग्स में भी देख सकते हैं कि CQI कैसा रिपोर्ट हो रहा है, कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम्स यूई यूज कर रहा है। सो इन LTE देयर आर 15 डिफरेंट CQI वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 15 एंड मैपिंग बिटवीन CQI एंड मॉड्यूलेशन स्कीम। जो मॉड्यूलेशन स्कीम होती है और जो CQI होती है वो दोनों मैप होती हैं आपस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो चैनल क्वालिटी इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि जोन सी वैल्यू यूई रिपोर्ट कर रहा होगा उसके बेसिस कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेशन स्कीम्स क्या यूज हो रही है। तो उसके बेस पे ही जो हमारा ई नोड भी है वो स्केड्यूलिंग प्रोवाइड करता है हमको। एक चीज और भी है, सपोज आप किसी भी टावर के पास में अगर खड़े हुए हैं तो आपको मॉड्यूलेशन स्कीम्स हायर मिलेंगी, मतलब 64 QAM, 16 QAM ये मिलेगी और आप ज्यादा डेटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो टावर है उससे काफी दूर खड़े हुए हैं तो जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स होंगी वो आपको QPSK मिलेगी, उसमें बिट आप कम ट्रांसफर कर पाओगे और डेटा भी आप कम डाउनलोड भी कर पाओगे और अपलिंक अपलोड भी कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि मॉड्यूलेशन स्कीम्स आपको समझना। जितनी अच्छी मॉड्यूलेशन स्कीम होगी उतना बेटर आपका कवरेज होगा, जितनी कम मॉड्यूलेशन स्कीम होगी उतनी आपको दिक्कत होगी पावर से जो डेटा है ट्रांसमिट करने में भी और रिसीव करने में भी। तो मॉड्यूलेशन स्कीम्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन उससे मैप करना कि CQI क्या रिपोर्ट हो रहा है। अब इसके अंदर दो तरह के CQI होते हैं, ये CQI पीरियोडिक भी हो सकता है और एपीरियोडिक भी हो सकता है, और दोनों सेम टाइम पे कॉन्फिगर भी हो सकते हैं यूई के अंदर। तो पीरियोडिक रिपोर्टिंग मतलब टाइम टू टाइम एक इंटरवल होगा उसके बाद अपने आप CQI रिपोर्ट होने लगेगा। एपीरियोडिक मतलब उसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, वो कभी भी रिपोर्ट कर देगा। तो दोनों तरह से आप सेट कर सकते हैं यूई के अंदर। अगर पीरियोडिक जो CQI वो सेट है तो या तो वो PUCCA चैनल यूज करेगा या PUSCA चैनल करेगा, दोनों में से कोई एक यूज करेगा। लेकिन अगर एपीरियोडिक है जो CQI रिपोर्टिंग है तो खाली फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल ही यूज करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर कहीं पे PUCCH में रिपोर्टिंग हो रही है तो आप समझ जाना कि ये पीरियोडिक है, और PUSCH में अगर खाली PUSCH में ही हो रही है तो एपीरियोडिक आप बोल सकते हैं। सो एपीरियोडिक में क्या होता है, बेस स्टेशन एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट टू द यूई टू सेंड ए CQI रिपोर्ट। अब जो बेस स्टेशन है वो खुद कहेगा उसको कि आप मुझे ये अपनी CQI रिपोर्ट भेजो, तो मुझे देखना है कि आपकी मॉड्यूलेशन स्कीम्स क्या क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं आपको डाउनलिंक स्केड्यूलिंग प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अच्छी कवरेज या अच्छी स्पीड मिल सके।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।